नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बुलेटिन में जिन खबरों को लेकर चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे प्याज के दाम को लेकर। उसके बाद खबरों में बात होगी किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का, जहां आज भारतीय किसान मोर्चा के नेतृत्व के जरिए, राकेश टिकैत के नेतृत्व के जरिए कई किसान संगठन आज पर मार्च कर रहे हैं। और बता दें कि ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकाला जा रहा है, जहां पर अपनी मांगों को लेकर किसानों का गुस्सा सरकार पर फूटा। क्या कुछ कहना है किसानों का वो आपको बताएंगे और आखिर में बात होगी देश भर के किसानों को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्याज के दाम को लेकर। प्याज एक महत्वपूर्ण सब्जी और मसाला फसल है, इसमें काफी गुण पाए जाते हैं, लेकिन खास तौर पर जो अगर उसकी बात की जाए इसके रेट को लेकर, तो बता दें कि अभी जो भाव गिरा है वो 1050 रुपए क्विंटल बताया जा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र किसानों को लेकर अगर बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि कई वक्त से उन्हें थोड़ा अच्छा भाव मिल रहा था, जिसके चलते कई किसान खुश थे, लेकिन जैसे जैसे भाव में कमी देखने को मिली थी उससे किसानों के चेहरे मायूस होते गए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारतीय किसान यूनियन आज ट्रैक्टर तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। यह रैली बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत की अगुवाई में निकाली जा रही है। सहारनपुर से लेकर ग्रेटर नोएडा के कई हिस्सों में ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है और अपनी मांगों को लेकर किसानों का ये प्रदर्शन जारी है। देखिए, मेरठ कमिश्नरी पे आज किसान पहुंचे। मेरठ कमिश्नरी पे आज किसान पहुंचे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के आज कार्यकर्ता मेरठ कमिश्नरी पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन उनका जारी है। तिरंगा यात्रा का उन्होंने इसको नाम दिया है और आप देख सकते हैं कि तमाम किसान यहाँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर सारे ट्रैक्टर में सवार होकर किसान पहुँचे हैं। और ये सामने मेरठ कमिश्नर का ऑफिस है और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम किसान कार्यकर्ता, जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। उनकी क्या मांगे हैं और किस वजह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, आखिर क्या इसके पीछे वजह है, हम इन्हीं से पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार त्यागी। मनीष जी, क्या मामला है, किस वजह से ये प्रदर्शन किया गया है, क्या क्या? एक तो बिजली का जो है, जब गवर्नमेंट ने बिल माफ़ कर दिए 12 लोगों, 31 मार्च 2023 तक का किसानों ने बिल जमा कर दिया एकमुश्त। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में मैसेज आ रहे हैं, अब कह रहे हैं 12 लोगों का सत्यापन कराओ और मीटर लगवाओ। जब बिल माफ़ है गवर्नमेंट के घोषणा पत्र में प्रदेश सरकार के, तो फिर मीटर कैसे? और एक जो है स्मार्ट मीटर की तैयारी गाँवों में है, वो हम लगन नहीं देंगे किसी कीमत पर। हमारे नेता का आदेश था 9 तारीख का, आज का हमारा ये पहले घेराव है कमिश्नरी का, और उसके बाद में अगली रणनीति जो हमारे पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष भाई अनुराग चौधरी जी, NCR महासचिव चौधरी नरेश जी, हर्ष भाई वगैरह, जो भी हमें आदेश देंगे हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, हम घर से यहाँ लेटने के लिए आए। कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? अनिश्चितकालीन चलेगा। अच्छा, आप यहाँ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। अच्छा, मांगे क्या क्या हैं, क्या मेन मांग? मैं अध्यक्ष जी बताऊंगा जी। ये तो मेन मांग यही है, बिजली मीटर की है, स्मार्ट मीटर की, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। 12 के मीटर की मांग है, 12 पे मीटर नहीं लगना चाहिए, बिल माफ़ कर दे और मीटर लगा रहे। हमें क्या गारंटी के बिल माफ़ होगी? हमारा कल को सारे रीडिंग कार्ड का हमारे घर भेज देंगे बिल, मानोगे नहीं इस बात को। तिरंगा यात्रा नाम दिया गया है जी, तिरंगा यात्रा। हर साल 15 अगस्त को होती थी, अब के बार कुछ किन्हीं कारणों से हमारे नेताओं का आदेश था, हमारे जो चौधरी राकेश टिकैत साहब है उनका आदेश था 9 तारीख में। यहाँ पर और भी किसान हैं जिनसे हम बात करेंगे। बाबा, आज यहाँ आए हो, क्या मांगे हैं? 12 बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं और घरों का बिल ज़्यादा हो रहा है, बिजली की परेशानी है किसान को, इसलिए आए हैं। गन्ने की क्या बात है, गन्ने की मांग भी है कि गन्ने के भुगतान की? गन्ने के भुगतान ये है कि हमारे जो है ना, तो आज तक सीटू प्लट 50 दी गई आज तक, जो कि सरकार ने वायदा किया था। इसका विरोध तो भैया सरकार का लगातार है और होता ही रहेगा जब तक सरकार है। ये गन्ने के बारे में इसका कोई भी ठीक व्यवहार नहीं है, नहीं नहीं है। यहाँ पर और किसान लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बाबा, आप यहाँ आए, क्या नाम है आपका? नरेश चौधरी। क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या किस मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन? खान में मांग है हमारी, मैडम को हमने 2 हफ्ते पहले ज्ञापन दे चुके हैं और अभी ये इतने हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी, इतने डेरा ही जमेगा। क्या क्या मांगे हैं वो मुझे सारी डिटेल नहीं पता, 96 मांग। 96 में क्या क्या मांग? एक तो है यो स्मार्ट मीटर, 12 का मीटर, अग्निवीर और गन्ना भुगतान, ये मुख्य मांग है हमारी। कब तक चलेगा इधर ये? जब तक चलेगा जब तक ये मांग पूरी नहीं होंगी। क्या नाम है आपका?
सूरज सिंह। बताइए कब तक चले गए? इतना हमारी मांग पूरी नहीं हो, इतना धरना चलता ही रहेगा। मेन मांग क्या है धरने के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग ट्रैक्टर ट्रोलियों में लेके खाने से लेके हमारी ट्रोलियाँ खड़ी हुई हैं सारा पल्ला लगा के, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम बिल्कुल यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि ये किसान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं और इनका कहना है कि जो मेरठ कमिश्नरी पे आज किसान पहुंचे हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के आज कार्यकर्ता मेरठ कमिश्नरी पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन उनका जारी है। तिरंगा यात्रा का उन्होंने इसको नाम दिया है और आप देख सकते हैं कि तमाम किसान यहाँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर सारे ट्रैक्टर में सवार होकर किसान पहुँचे हैं। और ये सामने मेरठ कमिश्नर का ऑफिस है और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम किसान कार्यकर्ता जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। उनकी क्या मांगे हैं और किस वजह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, आखिर क्या इसके पीछे वजह है, हम इन्हीं से पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार त्यागी। मनीष जी, क्या मामला है, किस वजह से ये प्रदर्शन किया गया है, क्या क्या? एक तो बिजली का जो है, जब गवर्नमेंट ने बिल माफ़ कर दिए 12 लोगों, 31 मार्च 2023 तक का किसानों ने बिल जमा कर दिया एकमुश्त, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में मैसेज आ रहे हैं, अब कह रहे हैं 12 का सत्यापन कराओ और मीटर लगवाओ। जब बिल माफ़ है गवर्नमेंट के घोषणा पत्र में प्रदेश सरकार के, तो फिर मीटर कैसे? और एक जो है स्मार्ट मीटर की तैयारी गाँवों में है, वो हम लगन नहीं देंगे किसी कीमत पर। हमारे नेता का आदेश था 9 तारीख का, आज का हमारा ये पहले घेराव है कमिश्नरी का, तो उसके बाद में अगली रणनीति जो हमारे पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष भाई अनुराग चौधरी जी, NCR महासचिव चौधरी नरेश जी, हर्ष भाई वगैरह, जो भी हमें आदेश देंगे हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, हम घर से यहाँ लेटने के लिए आए। कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? अनिश्चितकालीन चलेगा। अच्छा, आप यहाँ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। अच्छा, मांगे क्या क्या हैं, क्या मेन मांग? अध्यक्ष जी बताओगे जी? ये तो मेन मांग यही है, बिजली मीटर की है, स्मार्ट मीटर की, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। 12 के मीटर की मांग है, 12 पे मीटर नहीं लगना चाहिए, बिल माफ कर दे और मीटर लगा रहे। हमें क्या गारंटी के बिल माफ होगी? हमारा कल को सारे रीडिंग कार्ड का हमारे घर भेज देंगे बिल, मानोगे नहीं इस बात को? तिरंगा यात्रा नाम दिया गया है तिरंगा, ये हर साल 15 अगस्त को होती थी, अब के बार कुछ किन्हीं कारणों से हमारे नेताओं का आदेश था, हमारे जो चौधरी राकेश टिकैत साहब है उनका आदेश था 9 तारीख में। यहाँ पर और भी किसान हैं जिनसे हम बात करेंगे। बाबा, आज यहाँ आए हो, क्या मांगे हैं? 12 पे बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं और घरों का बिल ज़्यादा हो रहा है, बिजली की परेशानी है किसान को, इसलिए आए हैं। गन्ने की क्या बात है, गन्ने की मांग भी है कि गन्ने के भुगतान की? गन्ने के भुगतान ये है कि हमारे जो है ना, तो आज तक सीटू प्लट 50 दी गई आज तक, जो कि सरकार ने वायदा किया था। इसका विरोध तो भैया सरकार का लगातार है और होता ही रहेगा जब तक सरकार है। ये गन्ने के बारे में इसका कोई भी ठीक व्यवहार नहीं है, नहीं नहीं है। यहाँ पर और किसान लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बाबा, आप यहाँ आए, क्या नाम है आपका? नरेश चौधरी। क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या, किस मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन? खान में मांग है हमारी, मैडम को हमने 2 हफ्ते पहले ज्ञापन दे चुके हैं और अब ये जितने हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी इतने डेरा ही जमेगा। क्या क्या मांगे हैं वो मुझे सारी डिटेल नहीं पता, 96 मांगे। 96 में क्या क्या मांगे? एक तो है यो स्मार्ट मीटर, 12 का मीटर, अग्निवीर और गन्ना भुगतान, ये मुख्य मांग है। कब तक चलेगा इधर ये? जब तक चलेगा जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी। क्या नाम है आपका? सूरज सिंह। बताइए कब तक चलेगा इधर? इतना हमारी मांग पूरी नहीं हो, इतना धरना चलता ही रहेगा। मेन मांग क्या है धरने के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग ट्रैक्टर ट्रोलियों में लेके खाने से लेके हमारी ट्रोलियाँ खड़ी हुई हैं सारा पल्ला लगा के, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम बिल्कुल यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि ये किसान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं और इनका कहना है कि जो इनकी मांगे हैं जब तक वो पूरी नहीं होंगी ये इनका धरनाया जारी रहेगा सामने। तो जिस तरीके से आपने देखा कि अभी मेरठ की क्या स्थिति है, इसी तरीके से आपको बता दें कि सहारनपुर में भी किसानों का जो जत्था है लगातार आगे बढ़ रहा है और उनकी जो मांग है, कई ऐसी मांगे जहां पर गन्ने का भुगतान होना चाहिए, बिजली बिल माफ होना चाहिए समेत कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर किसान डटे हुए हैं और साफ तौर पर चेतावनी दे रही हैं कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन जो होगा वो और भी उग्र रूप लेगा और हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो सहारनपुर से निकलकर सामने आई।
है, पदाधिकारी है, वो सभी आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर डीएम साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं। इनसे बात करेंगे क्या कुछ मांगे हैं इनकी और कितनी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं। आपका नाम? अशोक कुमार। आज आप ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आपने यहाँ पर ज्ञापन दिया? ये आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पे धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन देना था, वो मांग पत्र दिया। अगर इस पर कोई ध्यान नहीं दिएगा तो पूरे देश में किसान बड़ा आंदोलन करेगा। इसकी मुख्य मांग ये है कि जो मांग शासन के स्तर की भी नहीं हुई, भी नहीं मांग अलग रही, किसी दफ्तर में चले जाओ, काम कोई कर ही नहीं रहा। जैसा हाईवे है, हाईवे निकल के रास्ता मिल गया, किसी ने रास्ता नहीं मिला, किसी की पुड़िया नहीं लगी, किसी ने ये नहीं पता कि कहाँ को जाएगा, मेरी जमीन दोनों तरफ रहेगी और हाईवे निकल गया 15 फुट ऊंचा, वो दूसरी तरफ कहाँ को जाएगा किसान भाई? कौन से एक्ट में लिखा कि किसान के रास्ते भी बंद कर दिए? गन्ना भुगतान नहीं हो रहा, किसान अपने बच्चे पढ़ा हुआ है, गन्ना बेल्ट है या फीस देने ने पैसा नहीं है, घर में बूढ़े माँ बाप या अन्य बीमारी है, खर्चा कहाँ से लाएगा किसान? तो हम तो ये कहें कि मुख्यमंत्री जी धरातल पर भी देखो, कुछ हो ही नहीं रहा। धरातल पर आकर मुख्यमंत्री जी दिखवाओ, जो अधिकारी काम नहीं करना कर रहा वो फ्री की नौकरी ले रहा, उन्हें दंडित करो भाई। किसान वो तो कह, किसान भगवान है, सारे देश का भगवान सड़कों पर फिर रहा, इन्हें नहीं पता कहाँ के रहा भाई। हम दोनों कहें धरातल पर आके किसान का दर्द समझो, प्रदेश में शांति प्रिय धरने चलने चाह, आंदोलन भी शांति प्रिय होने चाह, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला होना चाह। हमने उनके नाम में डीएम साहब को मांग पत्र दे दिया, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे जनपद में बड़ा आंदोलन चलेगा। कितनी संख्या में यहाँ पर किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे? आज तो हजारों की संख्या में थे, अंतर 10 किलोमीटर तक लंबी लाइन थी। 2000 पहले ही मांग पत्र दिया था कि स्कूल के बच्चों को जाम के कारण कोई परेशानी ना हो, इसलिए स्कूल की छुट्टी होने से पहले मांग पत्र दे दिया गया। तो आपको आते हुए कलेक्ट्रेट पर रोक भी लिया गया था, कलेक्ट्रेट गेट बंद करके ट्रैक्टर आपके भारी रोक दिए? ये तो किसान, आज के अधिकारी किसान को किसान मानता ही नहीं। रात दिन कितनी भीड़ हो, रैलियों में हो, पर्चा भरने में हो, किसान अगर अपनी बात कहना होगा उसे तो ये भीतर बढ़ने ही नहीं देते। तो किसान आया अपनी बात कही, जो ना रोकते और पहले नहीं मट जाता, बाद में भी तो या बात। ये यात्रा भारतीय किसान यूनियन के 2021 तक जो आंदोलन चला था उसके वास्ते एक संकल्प लिया था कि सरकार ने जो एनजीटी और दूसरी ये ट्रिब्यूनल में जो ट्रैक्टर लिए हैं, भाई 20 साल है, किसी के 30 साल हैं, इन्होंने उम्र उनकी 15 साल रखी, जो एनसीआर से बाहर है, ये सरकार को दिखाने के लिए हर साल एक क्रांति तिरंगा यात्रा निकाल ली जाती है कि सरकार के सामने ट्रैक्टर जो है 50 साल पुराना भी, जो यंग ट्रैक्टर काम कर रहा है वही पुराना काम कर रहा है। इसलिए पहली बात तो है ये जो सरकार ने एक नियम बनाया 10 साल वाला, उससे बाहर होना चाहिए। दूसरी बात यह है सरकार किसानों का गन्ने का बकाया जो भुगतान है उसे कराने में असमर्थता जाहिर कर रही, उसके लिए भी इकट्ठे होकर एक मांग रखी, भाई या तो गन्ने का भुगतान कराओ, नहीं जो है देश और प्रदेश की सड़कें जाम कराओ, दोनों में से एक ही काम होना है। ट्रैक्टर हजारों की संख्या में होंगे, आप जिधर भी नजर उठाओगे उधर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आओगे जनपद में। आज किसान थे, इनके साफ तौर से कहने हैं, लगातार इनके द्वारा जो जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो मांगे हैं उनका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। आज भी इन्होंने एक भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन द्वारा एक आह्वान किया गया था, उसको लेकर सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर किसान लेकर यहां पहुंचे थे, जिन्हें कलेक्ट्रेट के बाहर ही रोक दिया गया। मात्र 5 ट्रैक्टर कलेक्ट्रेट के अंदर आए और इन्होंने आकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है, आगे बढ़ लेते हैं, अब आखिर में बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। कई राज्यों में बारिश का दौर लगातार जारी है, राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। इसी बीच बारिश के दौरान कई राज्यों में लैंडस्लाइड भी देखने को मिली है, जिसकी वजह से खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में लोगों का जो जनजीवन है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में
दिन भर हल्की हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। हालांकि अभी भी लगातार बारिश का दौर जारी है। झमाझम बारिश दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में, खासतौर पर नोएडा में भी झमाझम बारिश हो रही है। उत्तर भारत में अगस्त के महीने में जमकर बादल बरसे हैं। इस बरसात ने बारिश की कमी से राहत तो दी है, लेकिन मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश में भी हालात सही नहीं है। कई जगह पर बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि एक रिपोर्ट भी जो निकलकर सामने आई है, उसमें ये कि 36 लोगों की जान तक चली गई है। बिहार की भी जो कई नदियां हैं वो उफान पर है। अब होने की बारिश होने की जो आशंका है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। IMD के द्वारा कभी रेड अलर्ट कभी ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर राजधानी दिल्ली समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर तमाम जगह पर लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लैंडस्लाइड होने से, बाढ़ होने से, जल भराव होने से कई जगह पर रास्ते बंद हो चुके हैं। लोगों के घर तक पानी घुस चुका है, जिससे कि लोगों का घर से बाहर तक निकलना दुभर होता जा रहा है। तस्वीरें ये हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वहां पर कभी आसमानी बिजली गिर रही है, कभी बादल फट रहे हैं, कभी लैंडस्लाइड हो रही है, जिससे कि जान माल को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। कई लोग लापता हो गए हैं, जिसके चलते लगातार वहां पर मुश्तैदी से टीमें लगी हुई हैं लोगों को निकालने में। लोगों को बचाव कार्य लगातार जारी है वहां पर। तो दोस्तों, जिस तरीके से बारिश का सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत तो दूसरी तरफ मुश्किलें भी ये पैदा कर रही है। तो देखना ये होगा कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।